Dear students, today we will study about diagrammatic representation of potential data, and first one is Latimer diagram. Basically, it is a data through which you can determine the potential of any kind of particular reaction and the species which can exist in more than one type of oxidation state. The main rule for this reaction is, this diagram is, when you are going to draw this diagram, the species which have the highest oxidation state should be mentioned on the left hand side, and the species which have the lowest potential should be mentioned on the right hand side. Secondly, their oxidation number should be mentioned on the species in the Roman numerals. Let us suppose this is a reaction, iron P, which is mentioned in your book. You can easily get it from there. Okay, this is a reaction typically of iron. Now you can see easily that here iron exists in more than one oxidation state. In this species, the oxidation state of iron is 6. Mention it Roman, it 3, in 2, and it's 0. ठीक है, जो ये एरोज हैं, ऑन दिस एरो यू हैव टू मेंशन इट्स पोटेंशियल, तो ये लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. इसमें है 0.77 माइनस 0.47, ठीक है, एंड द पोटेंशियल बिटवीन फेरिक एंड आयरन इज माइनस 0.057. ओके, दिस आर इन वोल्ट, दो यूनिट मेंशन करने की नीड नहीं, कर भी सकते, इट्स ओके, कोई मास रिडक्शन नहीं होगी अगर कर दोगे. बट ध्यान क्या रखना है राजे, कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, और लोएस्ट जो है वो राइट हैंड साइड पे. तो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इन सारी स्पीशीज़ को लिखना है. उसके बाद आपने क्या करना है, जो पोटेंशियल है उसे एरो के ऊपर लिखना है, और जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रोमन में लिखनी है. 1, 2, 3 करके लिए नहीं लिखनी, रोमन में लिखनी है. अब ध्यान से देखो, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, आयरन 6 टू आयरन 3 का पोटेंशियल है 2.20 वोल्ट, ठीक है, इसका है 0.77 वोल्ट माइनस 0.47 वोल्ट. अब यहाँ से यहाँ तक का है माइनस 0.057 वोल्ट. तो ये रिएक्शन इन दो स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है. तो अगर मैं सिंपल इसे ऐड करके देखूँ, 0.77 एंड 0.47, तो कितना आया, 0.30, ठीक है. बट यहाँ पे कितना मेंशन है, माइनस 0.057. इट मींस सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आप अगर स्टेप को जंप करते हो तो आप कभी भी उसका पोटेंशियल डिटरमिन नहीं कर सकते. जैसे अगर आपने आयरन 3 पॉजिटिव और आयरन 0 का पोटेंशियल डिटरमिन करना है, तो आप डायरेक्ट इन दो स्टेप्स को ऐड करके पोटेंशियल नहीं डिटरमिन कर सकते. कोई ना कोई ऐसा फैक्टर था जो मिस हो रहा था, और वो फैक्टर क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पोटेंशियल में आते ही नहीं है, ठीक है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उन्हें लाने के लिए, साथ में पोटेंशियल के साथ डील करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन सब की फ्री एनर्जी डिटरमिन करेंगे, डेल्टा जी नोट. अब देखो फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पोटेंशियल भी आ गया, ठीक है. इससे आपको एग्जैक्ट डिटरमिन होगा कि हाँ, इसका पोटेंशियल हम इसी मेथड से निकाल सकते हैं. अब इंडिविजुअल स्टेप देखो, सिर्फ इसका और इसका, ये क्या है, Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन दैट इज Fe2 पॉजिटिव, पोटेंशियल कितना मेंशन है, 0.77 वोल्ट, ठीक है. अब इस 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव तक जाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं.